नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक युवक का शव धर्मशाला में पड़ा मिला। वहां 3 दिनों से वह अपने घर से लापता चल रहा था। उसके परिजन जगह जगह उसकी तलाश कर रहे थे, तभी उसकी पत्नी ने एक धर्मशाला के कमरे में उसे पड़ा देखा। उसने पास जाकर उससे जानकारी ली तो उसने बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसे यहां फेंका है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला कानपुर रोड पर स्थित एक धर्मशाला का है। पुराने कलेक्ट्रेट स्थित काशीराम कॉलोनी निवासी लल्ला उर्फ बल्लू शनिवार को अपने घर से मजदूरी करने निकला था, लेकिन फिर अगले 3 दिनों तक वह घर वापस नहीं आया। उसके घर में उसकी बीवी और 2 बेटे हैं, जिसमें एक की उम्र करीब 1.5 वर्ष है तथा दूसरे की उम्र 6 माह है। उसकी पत्नी समेत अन्य परिजन उसकी तलाश कर रहे हैं। उसकी पत्नी अफसाना मंगलवार की सुबह कानपुर रोड की एक पुरानी धर्मशाला के सामने थी, तभी उसने एक कमरे में अपने पति को घायल हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद वह अंदर गई और मृतक से बात करने की कोशिश की। युवक ने उसे बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी ये हालत कर दी है। इतना कहने के बाद उसकी मौत हो गई। घर वाले ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। वह लोग पुलिस व प्रशासन के बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। काशीराम कॉलोनी में पुलिस बल परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।